ओके गाइस, अब हम देखते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इंटरप्ट्स के बारे में देखा था। इंटरप्ट्स एक सिग्नल था जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू आ रहा है और जिसको हमको इमीडिएटली क्या करना था, आगे प्रोसेस करना था। उसमें हमने उसके टाइप्स देखा, हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। अब हम देखते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या होता है, तो उसमें सबसे पहले आता है आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल। सो बेसिकली इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ फेचिंग द डेटा, फेचिंग, फेच, डेकोड, एग्जीक्यूट और रीड राइट फंक्शंस। गाइस, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है? इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड रीड राइट दी फंक्शंस। मतलब ये जो सारे स्टेप्स है, इसको पूरा मिला के आपका जो एक साइकिल क्रिएट होता है, तो ये साइकिल जब तक कंप्लीट ना हो तब तक आपका जो प्रोसेसर है वो नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रक्शन के लिए या नेक्स्ट इंटरप्ट को नहीं चेक करता है। मतलब ये एक पूरा कंप्लीट साइकिल है, ये पूरा एग्जीक्यूशन होने के बाद ही आपका प्रोसेसर नेक्स्ट स्टेप के लिए जाता है। अब सपोज ये जो एक साइकिल है ये कंप्लीट हो गया है, तो अब प्रोसेसर नेक्स्ट चेक करता है कि क्या वहाँ पे कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन साइकिल अवेलेबल है या इंटरप्ट आया है। सपोज यहाँ पे कोई इंटरप्ट नहीं है तो ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन साइकिल को एग्जीक्यूट करेगा या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन साइकिल को कंप्लीट करता है। अब इन केस यहाँ पे इंटरप्ट ऑकर हुआ है, व्हाट, यहाँ पे इंटरप्ट क्या हुआ है, आया है, तो जैसे ही इंटरप्ट आता है ये प्रोसेसर आपके इंटरप्ट हैंडलर को ट्रिगर करता है कि यहाँ पे इंटरप्ट क्या है, ये ऑकर्ड हो गया है, ये सिग्नल सिग्नल आ गया है, जनरेट हुआ है। तो वो टाइम पे आपका प्रोसेसर जो आपके मेन प्रोग्राम को मेन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में बिजी था, वी कैन से इट इज़ बिजी टू एग्जीक्यूट मेन प्रोग्राम, तो जैसे ही उसको पता चलेगा प्रोसेसर को कि यहाँ पे इंटरप्ट सिग्नल जनरेट हुआ है, तो वो आपके मेन प्रोग्राम को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। स्टॉप करने के बाद अब ये जो मेन प्रोग्राम है जिसको उसने बीच में यहाँ पे स्टॉप किया हुआ है, उसके कॉन्फ़िगरेशन को, उसके एड्रेस को, उसके पाथ को वो कहीं पे स्टोर करता है, क्या करेगा, वो उसको रजिस्टर में स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद ये इंटरप्ट के प्रोग्राम काउंटर को लोड करता है। अब कैसे लोड करेगा या उस सिग्नल को कैसे प्रोसेस करता है, तो उसका लोकेशन उसको पता चलता है विद द हेल्प ऑफ इंटरप्ट हैंडलर, सॉरी विद द हेल्प ऑफ इंटरप्ट वेक्टर टेबल। इंटरप्ट वेक्टर टेबल के थ्रू आपका मेन प्रोग्राम जो बीच में स्टॉप हुआ है और उसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने रजिस्टर में स्टोर किया हुआ है, और वो क्या करेगा, इंटरप्ट के प्रोग्राम काउंटर को लोड करता है और उसका लोकेशन उसको इंटरप्ट वेक्टर टेबल के थ्रू पता चलता है। अब जैसे ही आपका इंटरप्ट सिग्नल आगे प्रोसेस हो गया, अब क्या करेगा आपका प्रोसेसर जो यहाँ पे डेटा स्टोर्ड है उसको रिज्यूम करता है और आपके मेन प्रोग्राम को कंप्लीट करता है, उसके एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करता है। तो गाइस, इंटरप्ट हैंडलर को हम ISR भी बोलते हैं, व्हाट वी कैन से, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन या इंटरप्ट हैंडलर, इसका काम क्या है, ये इंटरप्ट वेक्टर टेबल के थ्रू अपने इंटरप्ट्स के प्रोग्राम काउंटर को लोड करता है, उसको प्रोसेस करता है उस सिग्नल को, और उसके बाद प्रोसेसर आपके मेन प्रोग्राम जिसमें वो बिजी था उसको एग्जीक्यूट करता है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।